I'm joined in by Mukesh, who was beaten up yesterday by a few Muslim mobs who had come here when he was at a shop. Chaliye hum direct Mukesh se baat karke aur unse poochte ki aapke sath kya hua. Mukesh, kal this incident happened with you. What was the time and what were you doing at that? Sir, it's around 6:20 p.m. Few people came, like 5 to 6 people, they came and they were demanding like turn your off speaker because our masjid is nearby and we won't allow this type of thing. I argue with them, what is wrong in this? Then they told like I'll beat you if you talk, do everything there. If you do like that. आप जानते हैं वो कौन लोग थे वो? Sir, 2-3 people I know the name. Rest of people I don't know the name. अच्छा, कौन हुआ those people? किसका नाम है बताओ? Like Shanwaz, Suleiman and Danish. अच्छा, ये लोग आते जाते रहते थे यहाँ या पहली बार आप देखते हैं? ये सर सब लोगों को तकलीफ देते हैं, यहाँ पे पीछे इनका अड्डा है, बैठते करते कुछ कुछ गलत काम करते हैं और सबको हमारे बंगाली भाइयों को पकड़ पकड़ के पैसे लेते हैं, टोकन डालते हैं, रॉबरी करते हैं, क्या नहीं करते, पेडलिंग काम करते हैं, पूरा यही काम करते हैं। हाँ, दो नंबर का धंधा करते हैं, इनको तो अंदर ही रखना चाहिए। तो आपके साथ जब ये घटना हुई कल और आप पुलिस स्टेशन गए अपना कंप्लेन लिखाने के लिए, तो पुलिस स्टेशन में पुलिस कह रही है कि अभी भी कुछ चीजें आप जो कहना चाह रहे थे वो नहीं लिखाई गई, जैसे आप यहाँ भजन सुन रहे थे या कुछ सर उस टाइम मुझे लगा हुआ था और मेरे को मैं भी इंजेक्शन लेके आया था कुछ पिंक कलर की और मुझे इतना मालूम नहीं पड़ रहा था। मैं अभी जाऊंगा पुलिस स्टेशन और मेरी एफआईआर पढ़ के आऊंगा फिर से, क्या सही कर रहे क्या नहीं है वो उसको करेक्शन करके आऊंगा। अच्छा, ये देखिए आप यहाँ लगा है मास्क, यहाँ लगा है और कहाँ का लगा है आपको एक बार जरा हमें बता सकते हैं? यहाँ देखिए सिर पे भी पड़ा है, यहाँ रबिंग के मार्क है, अंदर अंदर भी कुछ पड़ा है, सामने पड़ा है मार्क। तो इस बुरी तरीके से इनको मारा पीटा गया है। अच्छा, आपको स्टिचेस विचेस लगे हैं या क्या? नहीं, स्टिचेस मैंने कराए नहीं सर, जा रहा हूँ अभी, जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ये आप मस्जिद के बाजू तो कई सालों से हैं आप, ऐसे पहले भी हुआ है कभी ऐसा कुछ? सर मैं दुकान खोल के 2 महीना हुआ है सर, मैं यहाँ पे आके 2 महीना हुआ, मेरा घर गबन पेट यहाँ पे नजदीक है 500 मीटर। चलिए, ये थे मुकेश जो क्लियरली हमें बताया कि कैसे उनके साथ जो घटना हुई थी कल रात को और कैसे कुछ लोग यहाँ अंदर घुस के उनको मारे और पीटे और उनके, और आप देख सकते कैसे उन्होंने हमें दिखाया भी कि कितना खून से उनका बॉडी लथपथ है। यहाँ अभी माहौल गर्मा गर्मी का है क्योंकि सब लोग मुकेश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकेश को क्लियरली रेस्ट की जरूरत है और वो जाना चाहते हैं कि वो रेस्ट करे।